हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी। मैं हूं नीलम। आज की ये लवली सा सैलड डेकोरेशन की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने लाया है हमेशा की तरह, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और जितना हो सके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले तो कटिंग करती हूँ हमेशा की तरह। यहाँ पे मैंने इस बार सारे सैलेड में अनियन ऐड किए हैं, तो बीटरूट, अनियन, कैरोट और कुकुम्बर, ये सारे वेजिटेबल मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। और ये सारे कटिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह इनके कटिंग करने हैं। ये देखिए, लंबे लंबे सिप में आपको कटिंग कर लेने हैं। उसके बाद इसको डेकोरेशन कैसे करना है, डेकोरेट करना है प्लेट में। तो पहले मैं यहाँ पे, अभी तक आपने देखा कि मैं कैरेट को पहले डाल रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी मैं, या जो लंबे लंबे शेप में मैंने कट किए हैं कुकुम्बर यानी कि खीरा, तो उसको चारों तरफ मैं डेकोरेट करूँगी प्लेट के। क्योंकि नॉर्मल जब सारी सब्जियाँ एक साथ हम डेकोरेट करते हैं तो इस तरह राउंड राउंड करने से क्या होता है कि बहुत सारी सब्जियाँ इसमें ऐड होती हैं। अगर आपको कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, बीटरूट, कैरेट सारे ऐड करने हैं तो आपको वेजिटेबल जो है इस तरह आपको सैलड डेकोरेट करने होंगे। इससे क्या होता है कि आपको दो लेयर, तीन लेयर, जितना भी आप चाहे इसमें आसानी से प्लेट में आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले रखा था कुकुम्बर, फिर मैं ऐड कर रही हूँ बीटरूट। तो इस तरह आपको, अगर बीटरूट आपके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो उनको आप हाफ स्लाइसेस कट करके डालिए, क्योंकि ज़्यादातर बीटरूट के साइजेस बहुत बड़े होते हैं। अगर आप सैलेड के लिए ला रही हैं तो ये ध्यान रखिए कि उस साइजेस जो हैं वेजिटेबल के वो थोड़े से मीडियम हो, और स्मॉल भी रहे तो चलेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अनियन, ये देखिए, क्योंकि अनियन को लोग सैलेड में बहुत मिस करते हैं, तो इसलिए इस बार मैंने सब्जियों में सारे सब्जियों को ही ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी अनियन इस तरह से ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक लेयर आप और अनियन का ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं सोची कि नहीं, अभी उतना ही मैं डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कैरोट यानी कि गाजर से मैं सारे जो बीज के हिस्से हैं उनको इस तरह से डेकोरेट करूँगी। तो ये डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लवली लगा मुझे। और इसमें आप देख सकती हैं कि पहले मैंने जो डिज़ाइन जिस तरह से मैंने रखा है, आप हर एक डिज़ाइन को देख सकती हैं कि पहले मैंने खीरा लगाया, फिर मैंने बीटरूट लगाया, फिर मैंने अनियन लगाया, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कैरेट यानी कि गाजर। तो इन सभी का कम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही मायने रखता है सैलेड में सब्जियाँ जो है हम प्लेट में कैसे डेकोरेट करें। क्योंकि अगर आप कुकुम्बर रखती हैं उसके बाद अनियन रखती तो वो लुक नहीं आता, क्योंकि दोनों लाइट लाइट कलर के हो जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, या पहले लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, ऐसे भी आप डेकोरेट कर सकती हैं। तो आपका ये सैलेड का प्लेट देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये जो लीफ मैंने रखे थे, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं कैरेट डाल रही हूँ तो देखिए सैलेड का प्लेट कैसे चेंज हो रहा है, कितना लवली लग रहा है ना इस तरह रखने से। तो सैलेड में छोटे छोटे डिज़ाइन आप डाल के अपने सैलेड के प्लेट को बना सकती हैं यूनिक और बहुत ही नया एकदम। तो चलिए आज के डेकोरेशन इतना ही। अब आपको मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को मेरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो है बिल्कुल फ्री। तो चलिए किसी नए डेकोरेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।